मजदूर दलालों के ऊपर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, दो के खिलाफ धारा 370 के तहत मामला हुआ दर्ज। अवैध तरीके से मजदूर परिवहन एवं पलायन कराए जाने के मामले में बागबाहरा पुलिस ने दो मजदूर दलालों के खिलाफ धारा 370 के तहत मामला दर्ज करते हुए कार्यवाही की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उड़ीसा के मजदूर दलाल सूरज गोस्वामी एवं संतोष देवांगन के द्वारा अवैध तरीके से मजदूरों का अन्य राज्य में पलायन कराया जा रहा था, जिसे बागबाहरा पुलिस की टीम के द्वारा रोका गया है और उक्त मजदूर दलालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 370 के तहत कार्यवाही की गई है। वहीं इस मामले में कार्रवाई होने तक श्रम विभाग के कोई अधिकारी नहीं पहुंचे थे, जो कि समझ से परे है। आइए इस मामले की जानकारी लेते हैं बागबाहरा एसडीओपी डॉक्टर यॉर्क से। डॉक्टर साहब, बागबाहरा थाने में कुछ मजदूरों को रोका गया है, क्या है पूरा मामला और इस पर क्या कार्रवाई हो रही है? क्योंकि खबर ये है कि मजदूरी कराने के लिए, इनको बंधुआ मजदूर बनाने के लिए मजदूर दलाल अवैध तरीके से इनका परिवहन करा रहे हैं। ये सुबह सुबह हमको खबर मिली है कि कुछ गाड़ियों में कुछ मजदूरों को भर करके बाहर ले जाया जा रहा है, तो इसमें थाने स्टाफ को इत्यादि को सूचना दी गई थी। इसी क्रम में दो गाड़ियां जो है खड़ाई हैं, उसमें कुछ मजदूर हैं, उनसे बातचीत की गई है और उनके द्वारा बताया गया कि उनके कुछ लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने उनको कुछ अग्रिम में राशि दे रखी थी। साथ ही साथ कुछ राशि उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी कुछ दी गई थी और उन्हीं का हवाला देकर के उनको जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। अभी इसके बाद फिर उनकी पंचनामा बनाया गया। पंचनामा बनाने के बाद यदि उसमें ये पाया जाता है कि बंधुआ मजदूरी की स्थिति आती है या ऐसी स्थिति आती है कि जबरदस्ती उनको माइग्रेट किया जा रहा है यहाँ से मजदूरी के नाम पे, तो उनके ऊपर में आईपीसी की धारा 370 के तहत कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ यदि लगता है कि बंधुआ मजदूरी है तो उसमें वांटेड लेबर एक्ट 1976 के तहत कार्रवाई की जाएगी और वर्तमान में भी उनसे पूछताछ का पंचनामा तैयार किया गया। कौन कौन लेबर है जिनका, मैंने जो लेबर ठेकेदार, क्या नाम उनका नाम है? अभी प्रीलिमिनरी इनके द्वारा कुछ नाम बताए गए हैं, लेकिन जब तक FIR नहीं हो जाता तब तक कि अभी इसमें कुछ नहीं कर सकते। अभी पंचनामा तैयार किया गया है और FIR की कार्रवाई आगे की जाएगी। इसमें एक लेबर दलाल का नाम आ रहा था, जो पिछले बार भी कोमाखान में मजदूर पकड़ाए थे, वही लेबर दलाल के मजदूर आज भी पकड़ा सूरज गोस्वामी देवांगन। यदि यही है कि अभी पिछले बार क्या हुआ था, उसमें अगर कार्रवाई हुई है नहीं हुई है, ये मुझे क्लियर नहीं है। बाकी इस बार यदि उनका नाम आया है और उसमें शामिल है तो निश्चित रूप में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और उसका नामजद FIR किया जाएगा यदि वो बॉन्डेड लेबर एक्ट में या बॉन्डेड लेबर कराते पाए जाते हैं। तो प्रारंभिक तौर पर क्या इसमें 370 के अपराध? अभी प्रारंभिक तौर पर केवल और केवल पंचनामा किया गया है। पंचनामा के अध्ययन के बाद से भी यदि उसमें आईपीसी धारा कर्षित होती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की, क्योंकि किसी प्रकार का कोई इनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है किसी। यही सब देखा जा रहा है पंचनामा में, ये सब देखा जा रहा है इनके मेट या जो मध्य के दलाल होते हैं इनके बारे में भी देखा जा रहा है कि इनके द्वारा रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन यदि है तो उनके नियमों का पालन किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, रिन्यूअल वगैरह है कि नहीं है, और रजिस्ट्रेशन नहीं है तो निश्चित रूप से ये बिना रजिस्ट्रेशन के प्लेसमेंट का एक विषय हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को ध्यान दिया जा रहा है और इन सभी चीजों का ध्यान करने के बाद इसमें FIR कार्रवाई की जाए। सर, इसमें एक सवाल ये है कि जो लेबर दलाल है, जो ठेकेदार है, वो दूसरे प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के लेबरों को ले जा रहे हैं। ये कुछ चीजें सामने आई हैं कि लेबर कुछ यहाँ के हैं और दलाल बाहर के हैं, इसी प्रकार से कुछ लेबर बाहर के और दलाल यहाँ के हैं, ये दोनों चीजें सामने आई हैं। तो यदि प्लेसमेंट जो है बिना किसी लाइसेंस के या उनके शर्तों का पालन किए बिना लिया जा रहा है तो चूंकि घटना हमारे क्षेत्र में हुई तो उसमें निश्चित रूप से FIR होगी, और यदि बाहर के भी हैं दलाल तब भी उसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी, और बाहर के मजदूर और दलाल यहाँ के हैं तब भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।